ये एक ऐप का नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑन ईयर नहीं बताना चाह रहा। इन्होंने कहा कि वो ऑफर करते हैं कि अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस पर भी पैसे मिलेंगे, फिर आप दूसरों को तरगीब दें इस पर, फिर जितना उसमें वीडियोस वगैरह देखेंगे आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। और इनके कहने के मुताबिक उसमें बेहयाई बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग बेहयाई की चीज़ें देखकर और वहाँ से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है। देखिए, एक आम आदमी से भी अगर आप क्वेश्चन करें तो माशाल्लाह जिसको थोड़ा भी दीनी शऊर होगा, जो अखलाकियात को जानता होगा, जिसको थोड़ी बहुत किरदार की सफाई हासिल है, वो शरीयत की रहनुमाई ना भी हो तब भी कहेगा ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवानों के अखलाक तबाह हो चुके हैं इन्हीं चीज़ों को देख देख कर। हत्ता के लड़कियों के अंदर जो कि मतलब एक औरत होती है, औरत में शर्म व हया का मादा ज़्यादा है, और रिवायात के मुताबिक औरत में मर्द से 100 गुना ज़्यादा शर्म रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारी बच्चियाँ ऐसी चीज़ें देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने बातिन से शर्म व हया को ख़त्म होता महसूस करती हैं और उन हरकतों की तरफ आ जाती हैं कि जो इंतहाई काबिल शर्म है। फिर ना उनको बाप के बुढ़ापे का एहसास होता है, ना ख़ानदान की इज्जत का, ना अपने भाइयों के शर्म से झुके हुए सरों का ख्याल होता है। वो बेहूदगी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वह सब आप जानते हैं। लिहाजा इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल ना करें, थोड़े से पैसे के लिए अपनी आखरत को ना बेचें, दूर रहें। इंशाल्लाह आप दूर रहेंगे, अल्लाह ताला और आमदनी के जराए देगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों को हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए।